नमस्कार दोस्तों, आज की बीपी में हाई बीपी के बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, मैं खुद का एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपना जो खुद का जो हाई बीपी है, मेरा बीपी 110-160 के करीब रहता था, ठीक है। अब उसको मैंने कैसे रेगुलेट किया, वही मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अब अगर हम हाई बीपी की बात करें तो इसको हाइपरटेंशन या इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। अब साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है, देखिए, अगर आपका बीपी हाई रहता है, कंटिन्यू अगर हाई रहता है तो आपको कोई ऐसा सिम्टम्स महसूस नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को तो कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होता, पर ये जो प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर हाई होता है, इसकी वजह से आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपका ब्रेन यानी आपको पैरालिसिस जा सकता है, आपकी जो हार्ट है वहाँ पे अटैक आ सकता है या हार्ट स्ट्रोक कुछ भी हो सकता है, या भी आपकी आँखें जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो हाई बीपी रहने की वजह से दिक्कत आती है, ठीक है। और इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि धीरे 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 इन चीज़ों को ख़राब करता है। अगर आपका बीपी हाई है तो आपको देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि बीपी जो है इसको जो है वो 80-120 के करीब जो है वो लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 130 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 85-130 है। अभी का मेरा जो बीपी रहता है वो 85-130 रहता है, ठीक है। 80-120 होना चाहिए, पर 85-130 रहता है, उतना भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। पर इसको जो है वो मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा तो अंदर से अंदर आपके ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज करता जाएगा। इसके लिए मैंने जो किया वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको तीन चीज़ें जो है वो यूज़ में लानी है। पहली है पतंजलि की दिव्य मुक्तावटी, ठीक है। ये जो है मैं फोटो लगा दूंगा, दिव्य मुक्तावटी, इसको दो टैबलेट जो है वो सवेरे, दो टैबलेट जो है वो दोपहर को, और दो टैबलेट जो है वो आपको शाम को लेनी है। आप बीज वाला स्किप कर सकते हैं, आपका बीपी देख के सवेरे दो लीजिए और शाम को दो लीजिए, रात को सोते वक्त दो लीजिए, दो दो टैबलेट लीजिए, आपको दिखेगा कि बीपी में बहुत बढ़िया काम करती है ये। मेरे इसमें तो बहुत बढ़िया काम किया। उसी के साथ किसी भी होम्योपैथी के मेडिकल स्टोर में चले जाइए, होम्योपैथी का आपके सिटी में जहाँ पे भी होम्योपैथी का मेडिकल स्टोर है, ठीक है, वहाँ पे जाइए और उसको बोलिए ADEL। अब ये ADEL कंपनी का नाम है, इसका आपको 8 नंबर का ड्रॉप जो है वो मंगवा लेना है, 250-300 रुपये के करीब आएगा, ठीक है। ADEL 8 नंबर का ड्रॉप आपको उसको बोलना है कि ADEL का 8 नंबर का ड्रॉप दीजिए। वो ड्रॉप हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के लिए ही है। इसको जो है वो सवेरे और शाम को आपको इस्तेमाल करना है, आधा कप पानी लेना है और उसमें 15 ड्रॉप जो है वो इसके ऐड करने हैं और आपको ये ले लेना है सवेरे और शाम को। और तीसरी चीज़ है अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, ये भी बहुत बढ़िया काम, तीनों के तीनों लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फ़ायदा ही करेगा, नुकसान कोई भी नहीं करेगा। अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह रहता है ना, तो ये दो चीज़ें उसको भी कम करेगी। अब अर्जुन की छाल को कैसे लेना है वो भी देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना, छोटे छोटे पीसेस लेके आना, इतने इतने जो पीसेस होते हैं अर्जुन की छाल के, वो लेके आना। रात में डेढ़ ग्लास जो है वो पानी लेना, ठीक है, और इसमें एक पीस डाल देना ये, ठीक है। इसको डाल के इसको अच्छी तरीके से उबालना, ताकि जो पानी है वो एक ग्लास हो जाए, और रात भर वो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, वो वैसे उसको उबाल के निकाल लो और उसको वैसा ही रहने दो, और सवेरे ये छाल निकाल के ये पानी पी लीजिए। ये छाल जो है ये दूसरे दिन भी आप यूज़ में ला सकते हैं। इसको धूप में रख दीजिए, दिन भर धूप में रख दीजिए, और रात को फिर से वही प्रोसेस करके, यानी रात को डेढ़ ग्लास पानी लीजिए, उसमें अर्जुन की छाल डालिए, उसको अच्छी तरीके से उबालिए और वो वैसे ही रहने दीजिए, रात भर वैसे ही रहने दीजिए, और फिर सवेरे उसको जो है वो पी लीजिए। तो ये गाइस तीनों चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करना, 1 महीना ट्राई करके देखना, और उसके बाद आपका बीपी मेजर करना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। और बीपी को रेगुलेट करना, मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो अंदर से वो आपके डैमेज को ऑर्गन कर दिया। ये तीनों चीज़ें ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको बीपी में, हाई बीपी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप एलोपैथी दवाई नहीं ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम उसको जो है वो उस पर ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देते तो फिर वो अंदर से ऑर्गन डैमेज करते जाता है। इसीलिए उस पर ध्यान ज़रूर देना, महीने में एक बार बीपी ज़रूर मेजर करना कि आपका बीपी कितना है। और अगर कोई उपाय नहीं काम कर रहा है, कोई भी उपाय नहीं कर रहा, सीधे सीधे एलोपैथी डॉक्टर के पास जाइए, और ये तो उपाय काम करेगा ही, ठीक है। और अगर ये भी नहीं कर रहा, ऐसा तो होगा नहीं कि ये काम नहीं करेगा, पर ऐसा लग रहा है आपको भी ये भी काम नहीं कर रहा है, तो सीधे सीधे एलोपैथी डॉक्टर के पास जाइए और उसको बोलिए, और जो अगर वो टैबलेट वगैरह देता है तो वो स्टार्ट कीजिए। टैबलेट लेने की आपको एलोपैथी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर पहले से आप टैबलेट ले रहे हैं तो ये जो है वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, या फिर आपका सडनली बीपी जो है वो और कम हो सकता है। तो अगर आप एलोपैथी की टैबलेट नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, और आपको पता है कि मेरा बीपी हाई रहता है, तो आप ये ज़रूर तीनों चीज़ें ट्राई करके देखना लाइफ टाइम के लिए, आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट तो कोई होता नहीं है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब करना,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।